यार आप लोगों ने इसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी छोटी जो फीमेल है डॉग ये हीट पे है और आज इसको मैं लेके जा रहा हूँ गोरखपुर, वहाँ इससे मीटिंग करवानी है इसकी। और हमारे जिले में ये सुविधा नहीं है यार, सिद्धार्थ नगर बहुत छोटा सा जगह है और यहाँ पे मीटिंग नहीं हो पा रही है इसकी। मैंने लोकल में मेल तो है हमारे यहाँ आगे आस पास में, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया यार और वो हो नहीं पा रहा अकेले। तो मेरा भी मानना है कि आप लोग भी अगर रियलाइज किए होंगे कि डॉग अक्सर मीटिंग कराने में बहुत ही दिक्कत होती है, मीटिंग जल्दी हो नहीं पाता है, तो इस वजह से यार अकेले और सारे लोग लगभग डरते हैं। मैं तो मान लीजिए हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक आदमी से नहीं हो पाता, वो दिक्कत आती है, उसके अलावा परेशानी सुनाते आ रही है। और चलिए, और इसकी वीडियो पूरी मैं आपको दूंगा, मीटिंग का पूरा वीडियो मैं प्रोसेस दूंगा आपको, कैसे मीटिंग करवानी है। और इसको पहली बार या फर्स्ट टाइम मतलब ये गाड़ी में बैठ के जा रही है, थोड़ा इसको अजीब सा लग रहा है और पूरा इधर उधर देख रही है, चौंकी हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं बैठा हूँ तो थोड़ा शांत है, नहीं तो वैसे भी ये बहुत थोड़ी अग्रेसिव है मेरी डॉग, आप लोग तो इसकी वीडियो देखते रहते हैं। और इसकी हीट पे आए हुए अभी इसको लगभग मेरे ख्याल से 16 दिन लगभग हाँ हो चुके हैं दोस्तों। इससे मुझे कराना था मीटअप, इसका 2 दिन पहले ही करा लेना चाहिए था, क्योंकि ये 2 दिन पहले ही मतलब हो चुकी थी मीटिंग के लिए तैयार। इसका ब्लड 3 दिन हो गया बंद हुए और 12 दिन लगभग इसके ब्लड आए हुए थे, उसके बाद इसके ब्लड अभी हल्के हल्के पिंक साइड में है, यहीं कहीं रुक लेना और रोक लेना। तो हम हैं और एक ये ड्राइवर जी चल रहा है गाड़ी से और एक अंकल जी हैं जो इसके फर्स्ट ऑनर हैं, सबसे फर्स्ट ऑनर भी इनके इसके साथ जा रहा है और मैं इसका सेकंड ऑनर हूँ, तो दोनों लोग चलेंगे साथ में। इसके बाद देखते हैं यार वहाँ मीटिंग सक्सेस होती है नहीं होती है, तो वो वीडियो आपको मैं पूरी दूंगा कैसे करानी है। तो अभी हल्की हल्की पिंक टाइप की इसकी मतलब एक एक बूंद करके ऐसा मतलब इससे अभी भी मतलब ब्लड आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही मतलब कम है। लोग मतलब मेरा मानना है कि इस टाइम पे अगर आप इसे मीटअप कराएंगे तो बहुत जल्दी ये मतलब बेबी कंसीड कर लेगी। मैंने ब्रीडर से बात की है तो ब्रीडर ने बोला कि कितने दिन पे हीट पे थी, मैंने बताया उनको इतने दिन पे हीट पे थी वो, और अभी इतना दिन लगभग 16 दिन हो चुका है। और हालांकि आज संडे है भाई, मेरा छुट्टी रहता है, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ कि लेके चला जाऊँ उसको, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ले जाना चाहिए था लेकिन मैं ले नहीं जा पाया। हाँ, और ये रहे सब फर्स्ट ऑनर इनके, और ये भी फर्स्ट ऑनर इनके थे, ये अपने फर्स्ट ऑनर को देख के बहुत ही एग्रेसिव हो गई है, मतलब उसको प्यार दिखा रही है। चलिए ओपन करिए अगवाला, चलो बैठो छोटी, और एकदम से दीवानगी दिखा रही है उसके ऊपर, और मेरी पूरी कपड़े पड़े गंदे कर दिए इसने। तो अभी आपने देखा एक डॉग यार फर्स्ट ऑनर को कभी भी भूल नहीं सकता, और कितना भी आप प्यार इसे दे दो अपने घर पे, लेकिन ये अपने फर्स्ट ऑनर को नहीं भूलते हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब उनके लिए प्यार दिखा रही थी ये। और कैसे मतलब आपने देखा ना, पूरी गाड़ी से ही भाग रही थी पूरी, और बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल मैंने कर पाया इसको जो भी था। सुड़ी सुड़ी यार जी, अब जाके ये थोड़ी शांत हुई है। और यार डबल कोट में यही प्रॉब्लम आता है कि इनके बाल बहुत निकलते हैं, और भाई अगर आप डबल कोट रखना चाहते हो तो उस चीजों को करना पड़ेगा रियलाइज। हाँ, इस वजह से उस चीज तो बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। एक मिनट दोस्तों, चलिए फिलहाल आपको पूरी मीटिंग की वीडियो में दिखाता हूँ पूरी प्रोसेस, चलो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों।
फाइनली यार पहुंच चुके हैं हम गोरखपुर। सिद्धार्थ नगर से 80 किलोमीटर दूर है, और अगर आप लोग को भी मीटिंग करवानी है, आसपास में रहते हो आप, गोरखपुर में अगर रहते हो या फिर मतलब आसपास मेरे सिद्धार्थ नगर में रहते हो, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। पूरा देख के आपको समझ आ जाएगा कि मतलब कब मीटिंग करानी है, कब नहीं करानी है, एक्चुअल टाइम कब होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यार कि इसका पीरियड बंद हुए 3 दिन हुए, और अभी ये 2 दिन पहले मुझे लाना था, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। आज ये 4th-5th दिन लगभग इसका है, तो फिर भी इसको हल्की हल्की ब्लीडिंग, मतलब जो एकदम पिंक कलर की मैंने आपको बता रखा था कि पिंक कलर का जब हो जाता है फिर आप मीटिंग कराएंगे, वो मीटिंग एकदम सक्सेस होगा और ये कंसीव कर पाएगी। तो यार पहले नंबर फर्स्ट टाइम में मीटिंग कराने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। जैसा कि एक वीडियो मेरी एक दूसरे चैनल में पड़ी है, आप उसमें देखोगे तो इसी की वीडियो मैं इसको मीटिंग कराने के लिए गया था, चैनल का नाम सिद्धार्थ नगर देसी है, उससे आप देखोगे तो है वो वीडियो। बहुत ही मुझे मेहनत करनी पड़ी, फिर भी नहीं मतलब बन पाया यार, काम मेरा हो नहीं पाया, इसकी मीटिंग हो नहीं पाई, और इसी वजह से मैंने एक प्रोफेशनल ब्रीडर के साथ मतलब बातचीत की, उनसे फोन कॉल पे, उनको रहते हैं यहाँ गोरखपुर में है और उनका वेट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, और ये सूटी हमारी वेट कर रही है ये भी, और वो आ रहे हैं बस 10-15 मिनट पहुंच जाएंगे। और ये बरगदवा से आप अगर आना, गोरखपुर में रहते हो तो शायद आपको पता होगा बरगदवा, तो बरगदवा से आप अंदर आओगे तो खजांची चौराहे से पहले एक नीलाब हॉस्पिटल है, उसके सामने स्पोर्ट कॉलेज है, तो वहां पे मतलब हम उन्होंने बोला कि आप वहीं पे रुकिए और मेल यहीं आसपास कहीं पे है, तो अभी वो आते हैं फिर उनके साथ हम चलते हैं, इसकी मीटिंग की पूरी प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और ये फिलहाल वेट कर रही है, बैठी हुई है यार ये भी, तो चलिए और आने दीजिए उनको, फिर चलते हैं साथ में, फिर देखते हैं यार वो उनका क्या तरीका है, प्रोफेशनल ब्रीडर किस कैसे ब्रीडिंग करवाते हैं और मीटिंग कराते हैं। यार मेरा तो भाई मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप लोग भी अन्यथा ऐसे सिस्टम ना लें, किसी अच्छे से संपर्क करें, और संपर्क करने से आपको फायदा मिलेगा, जल्दी ब्रीडिंग होगी। और यार मीटिंग कराने के लिए बहुत ही सिस्टम होता है, पहले मुझे भी लगता था कि बहुत आसानी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारी मीटिंग की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें 2-3 लोग करके ऐसा हेल्प करते हैं फिर जाके मीटिंग हो पाती है, तो वैसे भी यहाँ पे कुछ है, मुझे लाना पड़ा इसे इतने दूर, तो देखते हैं चलिए क्या होता है आगे, ये मीटिंग इसकी सक्सेस रहती है नहीं रहती है। फिलहाल ब्लड इसका एकदम, मैंने जो बताया था, एकदम बंद हो चुका है, तो मीटिंग आप ब्लड बंद होने के बाद मीटिंग आप लगभग 5-6 दिन के अंदर अंदर करा लीजिए, और उसके बाद कराएंगे तो कोई मतलब ना के बराबर है, मतलब कोई गारंटी नहीं है, उससे पहले आप चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो बता रखा है दूसरे वाले में, टेल उठा के उसकी यूरिन जहाँ से पास करती है वहां आप चेक कर सकते हो, हल्की फुल्की अगर थोड़ी सी भी ब्लड पिंक कलर या मतलब हल्की एकदम पिंक से भी हल्की है तो आप मीटिंग करा सकते हो यार इसे। चलिए तो उनका वेट करते हैं यार, आते हैं फिर देखते हैं कौन सा मेल है कैसा मेल है, फिर वीडियो में बने रहे, स्किप मत करिएगा, और देखते हैं कैसी मीटिंग होती है इसकी। यार गाइस इसकी एंगुलेशन मुझे इतनी पसंद आती है कि ये बिना किसी एडिटिंग के, अब एंगुलेशन देखो लोग एंगुलेशन बनाते हैं, बसरते यार ये अपने आप ही उस पोजीशन में खड़ी होती है, जो एक प्योरिटी का सबूत है बहुत बड़ा, और ब्रीड का एक पहचान आप लोग को पता ही होगा, उसकी टेल सीधी होनी चाहिए, और एंगुलेशन लोग जो बनाते हैं डॉग शो में उस तरह से आप देखो ना, एकदम एक्चुअल में एक्चुअल पोजीशन पे खुद खड़ी है ये। जैक क्या नाम है सुटी। जैक अच्छा तो गाइस आपने वीडियो देखा, फाइनली सूटी क्रॉस हो चुकी है, इसकी मीटिंग सक्सेस रही है। अब एक चीज देखनी है यार, ये बच्चा कंसीव कर पाती है नहीं कर पाती, ये तो भाई अभी मुझे कम से कम 10 डेज के बाद ही पता चलेगा, और मुझे जैसे पता चलता है 10 डेज में मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा इसकी प्रॉपर की,
इसकी पूरी प्रेगनेंसी की वीडियो आपको मिलेगी। ये लगभग 52 दिन तक प्रेग्नेंट रहती हैं। आज के डेट से मैं इसका डेट नोट कर लेता हूँ। और जो ब्रीडर इसको ब्रीड करवाया है, मेरा कहना है यार प्रोफेशनल ब्रीडिंग वाले से ही ब्रीडिंग कराएं। बहुत ही आसानी से एकदम यार मुझे समझ नहीं आया, अचानक एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसको मतलब मीटिंग कराई और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर तुरंत ये मीटिंग हो गई। और 10-15 मिनट लगभग इन लोग का लॉक था, लॉक अपने आप छूटा है। कभी भी लॉक को जबरदस्ती ना छुड़ाएं, फीमेल और मेल को कभी खींचने ना दें और दोनों को अपने मर्जी से छूटने दें। जो छूटेंगे तो ही ज्यादा सक्सेस रहता है। और इस वजह से लॉक बहुत जरूरी है, लॉक होना ही सबसे बड़ी चीज है। लॉक हुआ तो होता है कि हाँ कंफर्म ये अब कंसीव कर जाएगी बेबी। तो इसकी बेबी का रिपोर्ट मैं आप लोग को देता रहूंगा। तब तक के लिए अगर पसंद आई हो वीडियो तो भाई एक लाइक तुरंत करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल सेलेक्ट कर लें। इसी तरह की वीडियो आप लोग को मैं देता रहूंगा। और उनका मैं कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर डाल दूंगा और देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जो उसको मीटिंग करवाए हैं गोरखपुर में वो रहते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए।